तो सभी दोस्तों को नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, तो घूमता राम का राम राम। वेलकम दोस्तों, जैसे भी आपको पता है लास्ट एपिसोड में आपने देखा रहेगा कि हम केरला के लिए निकल चुके हैं मुंबई से। हमारी पूरी फ्लाइट जर्नी आपको दिखाई थी और आज हम आपको दिखाएंगे हमारा फर्स्ट नाइट इन केरला, विच इज़ इन हाउस बोट LAP। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आप देख सकते हैं कितनी सारी हाउस बोट है यहाँ, लाइन में हाउस बोट लगी है, बाप रे। LAP केरला में बहुत सारी हाउस बोट है दीपक भाई। यस, सो मेनी हाउस बोट, नाइस। तो अभी देखते हैं हमारी हाउस बोट कौन सी। हमने 3 BHK, 3 बेडरूम की हाउस बोट बुक की हमने, तो इसमें बहुत सारी हाउस बोट, कम से कम हर हाउस बोट पे नाम लिखा हुआ है। हाँ, हर हाउस बोट पे नाम, कम से कम 500 हाउस बोट तो मुझे यहाँ से दिख रही है, कम से कम 500-700 हाउस बोट। तो देखते हैं हमारी कौन सी है और आपको भी बताते हैं हाउस बोट। और यहाँ है रामाडा LAP का कैंटीन जो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। साची, कैसा लग रहा है? There are so many houseboats. It's so different. It's so unique. I'm too excited. Let's go to our houseboat. हाँ, लोग जो बोट के अंदर है वो हमको पूछ रहे हैं कि आपको बोट चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब अगर आपने अगर प्री बुकिंग नहीं भी किया है तो मुझे लगता है यहाँ आके भी आपको अपनी चॉइस की बोट मिल जा सकती है। और हम तो हमारी ये जो हाउस बोट है वो booking.com से बुक करके आए थे, जो हमको 19,000 में पर नाइट पड़ी है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल मील 19,000 रुपया। 8 जन का, मतलब 6 adults and 2 kids का, फूड और 3 BHK का हाउस बोट वन नाइट स्टे के साथ सब आ गया है। देख सकते कितनी सारी हाउस बोट यहाँ, बाप रे। ये देखिए, दीपक भाई केरला आएंगे और हाउस बोट नहीं विजिट करेंगे तो नहीं चलेगा। वन नाइट का स्टे तो चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, ये हाउस बोट का एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए। yes, आपने yes. तो लिया है ना कश्मीर में? कश्मीर में लिया, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, डाल लेक कुछ अलग हटके है। ये हमारी हाउस बोट नहीं है लेकिन इसके पीछे के साइड हमारी हाउस बोट है, लेकिन हमारा रास्ता ये हाउस बोट में से जाना है। तो चलो जाते हैं यहाँ से और आपको ले चलते हैं हमारी हाउस बोट, जिसका नाम है वाई नॉट हाउस बोट। ये कंपनी का नाम है वाई नॉट हाउस बोट। तो अगर आपको बुक करना है वाई नॉट हाउस बोट तो आप booking.com में जाके या तो गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं और उनका रिव्यू देख सकते हैं। वाई नॉट हाउस बोट, सो फाइनली वी रीच वाई नॉट हाउस बोट। तो चलो देखते हैं और आपको भी बताते हैं वाई नॉट हाउस बोट। नाम कुछ यूनिक है, वाई नॉट हाउस बोट। काफी जबरदस्त मजा आने वाली है यहाँ, तो नीचे जाते हैं और आपको बेडरूम दिखाते हैं। लो जी, लो, रूम भी आ गई है, बढ़िया रूम है, फैन भी है, AC भी है, साफ सुथरी रूम है, स्मेल भी अच्छी आ रही है, विंडो भी है, और ये है बाथरूम, ये है दूसरा बेडरूम। तो चलो यहाँ भी जाते हैं, ये दूसरा बेडरूम है, सेम टिपिकल वही साइज है, क्राउन 12x10 120 square feet का बेडरूम है, सीलिंग थोड़ा अलग है, बहुत ही खूबसूरत। वो देखो सामने हाउस बोट जा रही है। And this is the third one with fan and AC and window and एकदम मस्त। So आज ऊपर हम बेड पे बैठेंगे रात को, yes, dinner भाई करने वाले, सोएंगे कम और मस्ती ज्यादा।
अच्छा हाउस बोट G+1 का हाउस बोट है ऊपर, हमने अभी एक जगह भी देख ली है, रात को वहीं सोएंगे, वहीं पार्टी करेंगे। ये पड़ोसी हमारे, you all are from Kerala? Yeah. Okay. हमारे पड़ोसी अपनी भाषा, ये हमारे नेबर है, ये केरला से ही है, मतलब अगर जो केरला में भी रहते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हैं, वो भी हाउस बोट में आते हैं और यहाँ पार्टी शार्टी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो बाहर से आते हैं वही हाउस बोट वगैरह हायर करते हैं। हमारे पड़ोसी जा रहे हैं, क्या कर रहे सर? रिलैक्स, झकास। आप छोटे नवाब? बस रिलैक्स कर रहे हैं, अभी 2 hours की कार की जर्नी थी अभी हमारी कोची से एलएपी तक, बस अभी 10 मिनट रिलैक्स करके टी लेकर, वाह, फिर साइट सीन को जाएंगे। साइट सीन को जाएंगे ये हाउस बोट में और बहुत ही सारी धमाल करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर अपन यहाँ आने के बाद बोट बुक करते तो 19,000 की जगह कितने में हो जाती है? 10,000 में होती है आराम से पूरा बोट। हाँ, पूरा बोट 10,000 में। 10,000 में तो अपन आराम से बार्गेनिंग, क्योंकि यहाँ जितने भी यहाँ चल के जा रहे हैं तो 2-3 तो मुझे पूछ रहे हैं आ जाओ बोट 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 करके बुला रहे कश्मीर में कैसा है? कश्मीर में भी इतना मतलब सस्ता मिल जाएगा। अच्छा। बट कश्मीर में इससे ब्यूटी ज़्यादा मिलेगा बिकॉज की पूरा लेक के किनारे पे है ये। ये वाली जो बोट है ये बोट को जाने के लिए रास्ता कर रहे हैं, बराबर ना? दिस बोट इज गोइंग। यहाँ डायरेक्ट कैसे बार्गेनिंग कर सकते हैं कि फिक्स रेट आपका? बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, यहाँ के बार्गेन करके आपको बोट ले सकते हैं। हाँ, वहाँ से बुकिंग करेंगे तो बार्गेन नहीं होगा? नहीं होगा, वही राइट है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा ही इज द ओनर ऑफ वन हाउस बोट, उन्होंने बताया कि अगर आप यहाँ डायरेक्ट आएंगे तो 100% बार्गेनिंग का चांस है। देखो ये बोट निकल गई, बोट यहाँ थी और यहाँ से हमारी हाउस बोट निकल पड़ी है साइट सीन के लिए। यहाँ जनरली ऐसा होता है 11 बजे का चेक इन और 12-12:30 को आपकी हाउस बोट जो निकल लेती है वो शाम तक चलती रहती है और उसके बाद शाम को किधर पार्क करके फिर आप सो जाते हैं और नेक्स्ट डे आपका 9:00 का चेकआउट होता है। तो चलो देखते हैं हाउस बोट हमको कहाँ कहाँ लेके जाती है और क्या क्या देखने मिलता है, छोटे छोटे विलेजेस भी दिखाती है। तो चलो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं केरला एलएपी की हाउस बोट की सैर। हम लोग जहाँ भी सेल कर रहे हैं ये है पुन्नमाड़ा कैनल और वो जो आपको दिख रहा है वो है वेम्बनाड लेक, वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही डीप है और ये कैनल उसको कनेक्ट कर रही है और उसके वो बाजू है कुमारकोन और ज़्यादा मोशन सिकनेस नहीं है, ऐसा हल थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है, बाकी अगर आपको ज़्यादा ये सब प्रॉब्लम नहीं है तो आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। स्टार्टिंग में जब भी बोट चालू होती है तो लगता है, अभी नहीं, ज़रा भी नहीं लग रहा है। ये है एक आइसक्रीम का शॉप जो बोट में सेल कर रहे हैं और आइसक्रीम बेच रहे हैं और ये हमने आइसक्रीम का ऑर्डर दिया है तो देखो कैसे टर्न मार के आ रहे हैं। आइसक्रीम? यस। आइसक्रीम खाना तो ठीक है, एक बहाना है, इनको एक हेल्प भी हो जाती है। यहाँ के जो छोटे छोटे ऐसे बिजनेसमैन व्यापारी है तो ऐसे बोट में आइसक्रीम बेचते हैं और टूरिस्ट के भरोसे रहते हैं और ये जो पैंडेमिक की वजह से टूरिस्ट भी कम मिलते रहेंगे। चलो ठीक है। और ये देखिए वेम्बनाड लेक, कितना बड़ा, कितना ह्यूज, समंदर ही लग रहा है दीपक भाई, सुपर ह्यूज वेम्बनाड लेक। आइसक्रीम वाज सो डिलीशियस और अभी कुछ और शॉप्स आएंगे तो मैं ट्राई करूंगी।
ये वेमिनार लेक है और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा है राइस फील्ड, जहाँ राइस बनता है वो बाजू भी देखो आप, वहाँ भी देखिए वो भी राइस फील्ड है पूरा। और ये जो बीच में कैनल है, ये कैनल का नाम है मार्तांडम। हम आए अलेपी से वेम्बनाड लेक और मार्तांडम कैनल। सो ऑल आर राइस फील्ड, बिग, वेरी बिग, हाँ वेरी बिग। और ये आ गया है खाना। और ये देखिए ये क्या है, राइस और बीन्स की सब्जी, गोभी की सब्जी, और ये है सैलेड, कर्ड, बीट का रायता, हाँ जी, बीटरूट चटनी, बीटरूट की चटनी, पापड़म, पापड़म, आचारम, और ये सब सांबराम। तो चलो करते हैं शुरुआत, टूट पड़ते हैं, बहुत ही भूख लगी, लगी है ना भूख। ये कितनी बढ़िया बढ़िया हाउस बोट है। ये सामने वाली जो है मुझे लगता है 4-5 BHK है, उसके पीछे एक है 3 BHK, उसके पीछे बहुत अलग अलग वेराइटीज़ की है। ये देखो सामने क्यूट सी, मुझे लगता है ये जो हाउस बोट है ये कपल के लिए होगी, शायद 1 BHK या 1 रूम की। और ये कुछ अलग, अगर आप कोची एयरपोर्ट से एलएपी आना चाहते हैं तो करीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र है, जर्नी है। और अगर आपको कार ड्रॉप के लिए चाहिए तो करीबन 2000 से 2500 रुपीज़ इन लोग चार्ज करते हैं, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी डिपेंड्स आपको कैसी चाहिए। बट हमने तो क्या किया, हमने पूरा हमारा जो 7 दिन का जर्नी है पूरा 7 दिन के लिए हमने एक इनोवा कार हायर कर ली है। तो अभी हम हमारी गाड़ी अभी उधर ही खड़ी है जहाँ से हमने हाउस बोट चालू की थी। कल हमारी वही गाड़ी हमको मुन्नार लेके जाएगी, फिर 3 दिन हम मुन्नार का साइट सीन भी वही कार में करेंगे, उसके बाद फिर वापस कोची आएंगे, 2 दिन हम कोची में रहेंगे, कोची में अगर हमको कुछ घूमना रहेगा तो वो कार से हम घूमेंगे। और उसके बाद लास्ट डे जब ये हमारा मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग का फ्लाइट है, और टोटल उन्होंने हमारा लिया है 7 डेज़ का इनोवा का 22,000, आप कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटा आपको पर डे का 3,000 रुपये आपको पड़ता है गाड़ी का, अगर आपको आपके लिए स्पेशल कार अगर अपनी रखनी है। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं इतनी सारी हाउस बोट है, ये सभी जा रही है वहाँ ही, छोटी कैनल है, देखते हैं कौन से मार्केट में लेके जाते हैं। एक्साइटेड साची तो बहुत ही एंजॉय कर रही है साची। यस, सोई भी नहीं दोपहर को, हम लोग तो 1 घंटा सो गए थे, फिर भी क्या किया पूरा दोपहर, पूरा दोपहर भाभी और मैं खेलते रहे। हाँ, इधर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक का बटन हिट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको हाउस बोट अच्छी लगती है तो कमेंट में बता देना। हाँ, अगर आपको अच्छी लगी, यहाँ का नज़ारा अच्छे लगे, केरला की टूर अच्छी लग रही है, या फिर कुछ भी चीज़ आपको पूछनी है या फिर कुछ भी आपको बतानी है तो आप प्लीज कमेंट करना। अगर आप लोग कमेंट करते तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, साची तो सब कमेंट पढ़ती है, छोटी छोटी कमेंट भी छोड़ती नहीं है, रिप्लाई भी पढ़ती है।
कैश्यू है क्या? हाउ मच फॉर दिस? 1 kilo 700. ये है हमारी हाउस बोट और ये है हेलो चप्पल गिर गया है मेरा साची यू आर सेलिंग द बोट ओ माय गॉड और ये साची ने बोट चला ली है और ये आ गया है हमारा दूसरा कैप्टन कैप्टन भावी कैप्टन भावी बरोबर चला सामने देख के ठोकना मत एक्सीडेंट मत करना कैप्टन भावी चला रही है कैप्टन कैसा लगा बोट चला के आपको कैप्टन कैसा लगा बोट चला के? अच्छा लगा। सुबह हमने स्टार्ट और कहीं से करा था अब जो नाइट स्टे है वो कहीं विलेज है तो वो विलेज के वहाँ पे जो सी रहेगा लेक रहेगा तो उधर रहेगा और फिर मॉर्निंग में वापस जिधर हम थे वहाँ आ जाएंगे अच्छा तो हम लोग अभी नाइट स्टे करने वाले हैं कुछ विलेज के पास ये लोग पार्क करेंगे क्योंकि वहाँ से इनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जो इलेक्ट्रिसिटी के दम पर ये जो हमारे जो दो एयर कंडीशन और बाकी इनकी जो भी चीज चलती रहेगी तो आपको सब बताएंगे बस जुड़ा रहिए कहीं जाइएगा नहीं बहुत ही शांत बहुत ही पीसफुल केरला की ब्लैक वाटर तो नहीं कह सकते इसको ब्लैक वाटर कह सकते क्या बोलते इसको ये तो एक कैनल ही है डार्क वाटर बोलते इसको डार्क वाटर ये देखिए कितनी सारी हाउस बोट खड़ी है पार्किंग और ये देखिए ये सब पूरा विलेज है ये आप अगर देखते रहेंगे ये पूरा का पूरा विलेज है ये जो है ना ये पूरा विलेज है ये हमारे बैक साइड में भी ये पूरा विलेज है एलएपी के अंदर ही सब ये विलेज है ये रिच लोगों का विलेज है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े घर लग रहे हैं मुझे लगता है ये जो हाउस बोट के ओनर रहेंगे उन लोग ही रहते हैं घरों के अंदर पानी भर गया अगर आपको दिखता रहेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए ये पूरे का पूरा पानी के अंदर घर डूब गए हैं फोटोग्राफी सेशन चल रहा है अगर आप केरला का प्लान कर रहे हैं अगर केरला आप फ्यूचर में आने वाले आना चाहिए एलएपी एक बार तो जरूर ट्राई करना देखते अभी रात का मामला कैसा जमता है अगर मच्छरों ने साथ दिया तो हम रात को एकदम खुश रहेंगे अदरवाइज रात को सबकी पारे चढ़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ एक दो जन ने ऐसा बताया कि मच्छर बहुत ही रहते हैं फिर भी हम मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह लेके आए हैं लेकिन देखते अगर आप एंजॉय कर रहे हैं मजा आ रहा है मस्ती ले रहे हैं मस्ती लूट रहे हैं और आपको अगर फील हो रहा है कि आप भी केरला में आ गए हैं और एलएपी में आप हमारे साथ घूम रहे हैं तो प्लीज लाइक का बटन दबा देना और अगर आपने केरला विजिट किया है तो प्लीज कमेंट में लिख देना कि केरला में और भी कौन सी प्लेस है जो मिस नहीं करनी चाहिए हमने तो ये तीन प्लेस चूज की है ये टाइम हमारे टूर में जिसमें एलएपी हाउस बोट मुन्नार और कोची और हमारी हाउस बोट की जर्नी चालू है धमाल चालू है लेकिन वीडियो लंबा हो गया तो हम यहाँ ही समाप्त करेंगे मिलेंगे आपको अगले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे हमारा सफ़र तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक करना अगर वीडियो आपको पसंद आया है थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो